आज हम लोग बात करेंगे डायरिया के बारे में। डायरिया होता क्या है, किन किन लोगों को ज्यादा चांस होते हैं डायरिया होने के, और इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसको प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो वीडियो में पूरे फुल डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरिया एक डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जो बहुत क्रिटिकल हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट सही समय पर ना किया जाए तो। इसमें खाने पीने में गड़बड़ी के कारण ये बीमारी होती है, जब फूड जो होता है वो स्टोमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाता ठीक से, और इस वजह से अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो वाटी स्टूल का आना डायरिया कहलाता है, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल डायरिया भी इसे बोल सकते हैं, या एक्यूट डायरिया जो होता है ये 5 वर्ष तक के बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। और डायरिया जो होता है किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी कैसे भी लोगों को हो सकता है, लेडीज फीमेल हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, ये सबको होता है। तो इसके कॉजेस के बारे में बात करेंगे। तो डायरिया का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो वायरल इन्फेक्शन होता है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं जिनकी बात कर लेते हैं। तो इसके जो मोस्ट कॉमन कारण होते हैं उसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट की वजह से भी ये हो सकता है, और कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर की वजह से इस्तेमाल इसका ज्यादा करने से हो सकता है, ओवर ईटिंग की वजह से हो सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स अगर होगी, स्टोमक की कोई दिक्कतें होंगी उसकी वजह से हो सकता है, लीवर की बीमारियों में ऐसा होता है, और इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए उसकी वजह से हो सकता है, आईबीएस के वजह से हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी बीमारी ऐसी हो जो स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन को अफेक्ट करती है उसकी वजह से डायरिया हो जाएगा, लीवर की बीमारियों में हो सकता है, या कब्ज के जो कॉन्स्टिपेशन का जो दवा से जिसका जो ट्रीटमेंट कॉन्स्टिपेशन का किया जाता है उन दवाओं की वजह से हो सकता है। तो इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स में पेशेंट को लूज मोशन होगा और हैवीनेस होगा, एब्डोमिनल में हमेशा भारीपन महसूस होगा, पेट में बहुत तेज दर्द हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, नसिया वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, फटीग अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, वेट लॉस होने लगेगा, इंक्रीज फर्स्ट प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, वीकनेस होगा, पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होने लगता है, यूरिन जो होता है वो उसमें कमी आ सकती है। आमतौर पर डायरिया एक नॉर्मल और क्यूरेटिव डिजीज होता है, लेकिन अगर इसका समय पे डायग्नोसिस करके इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये बहुत खतरनाक रूप ले लेता है, इससे पेशेंट की मौत भी हो जाती है, इसका ट्रीटमेंट बहुत जल्द करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले डायरिया के जो कॉजेज होते हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है, और उसका ट्रीटमेंट जो डायरिया होता है उसमें भूलकर भी दूध नहीं देना चाहिए, और क्रोनिक डायरिया में पुराना चावल जो होता है उसमें मूंग की दाल मिलाकर देना चाहिए। तो इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो टैबलेट आती है वो लोमोफेन प्लस आता है, जिसमें लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड 2 mg का होता है, उसको सुबह शाम दोपहर देना चाहिए। तो ये लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड 2 mg का जो टैबलेट होता है ये जो मूवमेंट होता है बड़ी आंत का उसको स्लो करता है, जिसकी वजह से डायरिया धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और जो अगला जो टैबलेट होता है वो न्यू टीजेड होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड बैसलस होता है, ये इन्फेक्शन को खत्म करता है, आंतों के इन्फेक्शन को खत्म करता है, और नॉर्मल जो फ्लोरा होता है उसको बनाए रखता है। इसको शाम को खाने के बाद और सुबह में खाने के बाद 2 टाइम दिया जाता है, और अगर पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो तो दर्द के लिए आपको ड्रोटिन एम टैबलेट दिया जा सकता है या मेफ्रल स्पास टैबलेट दिया जा सकता है। और अगर इसके डायरिया में अगर आपको वोमिटिंग की समस्या है तो उसके लिए आपको ऑनडेम एमडी टैबलेट दिया जा सकता है वोमिटिंग के अकॉर्डिंग, और इसके आपको एक पीपीआई दिया जा सकता है जो पेंटॉप डीएसआर
टैबलेट कैप्सूल होता है उसको दिया जा सकता है एसिड को कम करने के लिए, और आपको कुछ जाइम्स भी दिए जा सकते हैं, अरिस्टोजाइम, यूनि एंजाइम, आलू एंजाइम दिया जा सकता है अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए। और पानी की बहुत ज़्यादा अगर आपको कमी है तो पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए आपको वेसिका डॉटिल टैबलेट भी दिया जा सकता है एज के हिसाब से सुबह शाम दोपहर में। और अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है तो उसमें आपको कुछ इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है, जिसमें मीकासिन हो सकता है और उल्टियों का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। अगर पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो बीपी को मेंटेन करने के लिए आपको आईवी स्लाइन भी लगाया जा सकता है, जिसमें एनएस लगाया जा सकता है और डीएनएस लगाया जा सकता है। कुछ एंटीबायोटिक्स स्लाइन्स आती हैं जो मेट्रोनिडाजोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऐसा भी लगाया जा सकता है। इसमें डायरिया में यूरिन आउटपुट का पूरा ध्यान रखा जाता है, फ्लूड बॉडी से ज़्यादा लॉस ना हो, और किसी अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना बेहतर होता है। तो जो भी मेडिसिंस बताई गई हैं उसका इस्तेमाल खुद से ना करें, डॉक्टर की सलाह पर करें, वरना आपको घातक साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए वीडियो बनाया गया है। तो डायरिया को ख़त्म करने के लिए आपको ज़्यादा पानी की पीना होता है, ORS का घोल ज़्यादा लेना होता है, और इसमें आपको फैटी सामान नहीं लेना है, ऑयली सामान फूड नहीं लेना है, और रेडीमेड जितने भी फूड्स आते हैं उनको नहीं लेना है। आपको लिक्विड वाला पदार्थ ज़्यादा लेना है, जूसेस लेने हैं, फ्रूट जूसेस, ये सब आपको ज़्यादा लेना है, और डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट कराएं। तो आज के लिए बस इतना ही, सब्सक्राइब जरूर करें।